देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग हुई। बैठक के बाद विनोद तावड़े ने जानकारी भी दी है। इस बैठक में चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। विनोद तावड़े की तरफ से ये जानकारी मिली। मतगणना की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आपको यह भी बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी ने बड़ी बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई, जिसमें अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और मनोहर लाल भी पहुंचे। इसके साथ ही बैठक पूरी होने के बाद ये जानकारी मीडिया को दी गई कि बैठक में चुनाव को लेकर समीक्षा हुई है, मतगणना की तैयारी पर विस्तृत चर्चा जो है वो की गई है। तो मतगणना की तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत चर्चा की है, ये बैठक की है, और इसमें अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही ये मीटिंग जो थी वो हुई। इसमें पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल भी पहुंचे थे। अब देखिए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक खत्म होने के बाद जिस तरह से जानकारी मिली है बैठक को लेकर, क्या कुछ उसमें बताया गया है? काफी लंबी भारतीय जनता पार्टी की आज अहम बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के आवास से ये बैठक हुई थी। करीब 10:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 2:45 के आसपास ये बैठक खत्म हुई है। अगर इस बैठक की बात की जाए तो जो देखिए, क्योंकि एग्जिट पोल से अगर मैं बात करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूँ तो लगातार उनका कहना था कि 400 पार आंकड़ा जाएगा। वही एग्जिट पोल का भी आसपास यही आंकड़ा कहना है कि 350 से 401 के आसपास का आंकड़ा कह रहा है एग्जिट पोल का। स्वस्थ है, अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। तो कल चूंकि काउंटिंग होने वाली है तो काफी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तो इसी चीजों को लेकर के आज बैठक हुई थी कि क्या कुछ रहने वाला है कल काउंटिंग को लेकर, क्या तैयारियां रहने वाली है, इसी चीज को लेकर के बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विनोद तावड़े, इनकी महामंत्री है, तो विनोद तावड़े बाहर आते हुए उन्होंने समीरा से बातचीत भी की। उससे कहा गया क्योंकि जो कल काउंटिंग है उन चीजों को लेकर डिस्कशन किए गए हैं। बल्कि उनसे सवाल पूछा गया कि केंद्र कैबिनेट को लेकर भी क्या कोई डिस्कशन किए गए हैं, तो उनके द्वारा साफ तौर से नकार दिया गया और कहा गया कि नहीं, केवल कल की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई है। क्योंकि देखिए हमने देखा भी है कभी स्टेट से जब इलेक्शन हुए थे भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें जीत हुई थी तो एक बहुत बड़ा रोड शो किया गया था भारतीय जनता पार्टी के एक सेंट्रल बिल्डिंग में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बहुत बड़ा भव्य रोड शो किया गया था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल भी अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कल एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दिल्ली में होने वाला है। इन सब चीजों को लेते हुए आज ये अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद थे, तो सबसे पहले वो 10:30 बजे करीब जेपी नड्डा के आवास से पहुंचे थे। इस बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद थे। करीब 1.25 घंटा ये बैठक चली है। उसके बाद फिर वो बाहर निकल के बाहर चले गए थे। उसके बाद कई और मंत्री इस बैठक में पहुंचे, यानी अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई तरुण चुग महामंत्री तरुण चुग और विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद। जैसा कि आप भी अपराजिता जानकारी दे रही हैं कि अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे, तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर भी पार्टी ने चर्चा की होगी। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर कि वो एक कदम आगे ही चलती है, बिल्कुल देखिए क्या डिस्कशन हुए थे ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि सभी लोकसभा कैंडिडेट को लेकर डिटेल मांगे गए हैं, यानी प्रदेश के अध्यक्षों के अध्यक्ष ने सभी कैंडिडेट को लेकर डिटेल उनके डिटेल्स मांगे गए हैं। पहली चीज और दूसरी कल के काउंटिंग को लेकर के सभी तैयारियों को लेकर के डिस्कशन हुए हैं। अब हालांकि पूछा भी गया कि क्या कैबिनेट आगे की रणनीतियों को लेकर, कैबिनेट को लेकर क्या डिस्कशन हुए, हालांकि अब हुए या नहीं हुए हैं मगर सूत्रों साफ तौर से नकार दिया गया था विनोद तावड़े के द्वारा। अब क्या डिस्कशन और कुछ हुए ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, मगर फिलहाल यही अपडेट है कि सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स मांगे गए हैं सभी स्टेट के अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष से। और दूसरी चीज ये है कि कल की तैयारियों को लेकर के डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हुए हैं। जी
अपराजिता, क्या माना जाए कि ये जो इतनी लंबी बैठक चली है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के जो आंकड़े रुझान जो सामने आए थे उसके बाद भी बेहद आश्वस्त नजर आ रही थी। जैसा कि आपने भी इससे पहले जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि पार्टी विश्वास में है, अपने आप को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है रिजल्ट को लेकर भी। तो अब कल जब मतगणना होने जा रही है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है, यही माना जाए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि पूरे तरह से एक अस्वस्थ दिख भी रही है। और वहीं अगर बात करें तो हरियाणा न्यूज से एक फिर से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी बात की थी, उन्होंने बताया कि सभी 10 सीटें, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो सभी 10 सीटों को लेकर उनका दावा है। वहीं अगर हम देश की बात करते हैं तो उसको लेकर भी सुभाष बराला का है कहना है कि बिल्कुल एनडीए की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी कई पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी, इस तरह की चीजें सुभाष बराला के द्वारा कही गई है। वहीं अगर सभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो हर लीडर का यही कहना है पूरे तरीके से वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए जो बैठक का दौर है वो भी बाकी पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की बैठक शनिवार को हुई थी, सभी करीब 21 के आसपास पार्टी लीडर उस बैठक में पहुंचे थे, डिटेल डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन्होंने 300 पार की चीज कही थी कि 300 पार जाएगा इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा था कि 295 कम से कम 295 से ज्यादा भी सीटें इंडिया गठबंधन के झोले में आएगी, ये चीजें कही गई थी। हालांकि उसके बाद से जब एग्जिट पोल आया 6:30 बजे करीब जब एग्जिट पोल आया तो कह सकते हैं कि आंकड़ा आसपास सभी को देखने को नहीं मिला, आसपास भी इसका आंकड़ा नहीं दिखा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था तो लगभग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 350 से 400 के आसपास का आंकड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिसको लेकर के हमने देखा था कि कांग्रेस में काफी डिस्कशन हुए थे, कांग्रेस में भी बैठक हुई थी, 2 बैठक संडे को हुई थी, एक सभी लीडर्स सभी कैंडिडेट्स के साथ एक बैठक हुई थी, वहीं दूसरी बैठक हुई थी सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ, जिसमें हमने सुना भी था कि हरियाणा के अध्यक्ष उदयभान के द्वारा भी कहा गया था कि एक के बारे में कहा गया था कि बिल्कुल एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जनता को, ये चीजें कही गई थी। राहुल गांधी के द्वारा भी कहा गया कि ये मोदी मीडिया है, मोदी पोल है, मोदी एग्जिट पोल है, बोगस है, इस तरह की चीजें हमने सुनने मिली। और आज भी हमने जब सोनिया गांधी को साथ सोनिया बिल्कुल अपराजिता, और आपने सही जिक्र भी किया, आप बात भारतीय जनता पार्टी की हो या एनडी गठबंधन की हो, दोनों की तरफ से चुनाव को लेकर या फिर एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, और बैठकों का दौर भी दोनों में ही जारी है। कांग्रेस भी बैठकें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बैठकें कर रही है, एनडी गठबंधन की भी बैठक हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना जो है वो होती है और क्या रिजल्ट सामने आता है। फिलहाल के लिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।